रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दिन के 3:30 बज रहे हैं और हम अभी भी ब्लैंकेट में हैं उमरकोट की ठंड। और शशबील जा रही है ट्यूशन, का टाइम हो चुका है। चले बैग उठाएँ, बैग उठाएँ। कहाँ पेट में ट्यूशन का टाइम होता है पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये बहाने किस ज़माने के हैं, पता नहीं कौन से बाबा आजम के ज़माने के बहाने करता है कि ट्यूशन का टाइम होता है पेट में दर्द हो रहा है। बैग उठाओ, मैं कुछ भी बंद नहीं कर रही। बैग उठाओ, अच्छा है दुनिया को पता चले तुम ट्यूशन जाने के लिए कैसे लेजी हो। सिर्फ आप, मेरी बेटी तो फ़ौरन से ट्यूशन का टाइम होती है फ़ौरन बैग उठाती है और फ़ौरन ट्यूशन चली जाती है। अल्लाह हाफिज़। ठीक से लें दुपट्टा। हाँ क्या है, मैं कैमरा बंद नहीं करूँगी, जो भी करोगे सबके सामने करोगे। हाँ बताएं, एक बात करनी बाबा ने। चले बाबा ने मेरे कान में कर लो, चल बैग उठा, बैग उठा, शाबाश बैग उठा, वही बात, बैग उठा, बैग उठा, ये ले बैग। कहाँ है दुपट्टा, यहाँ फेंक के चले गए जॉर्जेट वाला। चलो बैग लो, बैग लो, चारपाई से निकल जा गुलाम अहमद, चिमटा पलटा लाके इससे मारूंगी, अभी इससे मार खाएगा। बाहर निकल भाई। अच्छा, बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो। मैंने कहा मुझसे बहस मुबादले मत करो, बैग उठाओ और ट्यूशन जाओ। चलो शाबाश, बात कर रही हूँ मैं तेरे बाबा से। मैंने बोला ट्यूशन चला जा, जो चीज़ हाथ में आई ना ट्यूशन भेजने के लिए सर पे मार दूंगी। अच्छा जा ट्यूशन जा, 4 बजे ना ट्यूशन चला जा। इससे ज़्यादा अगर बहस करी ना मेरे से। हाँ मजेंटा कलर, ओ माय गॉड, पर्पल आगे चल। अल्लाह हाफिज़ करें। जूते पहने हुए नहीं है, जूते पहने, बच्चा ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मतलब कितना मुश्किल है इन बच्चों के साथ सर खपाना। परसों मैं ग्रॉसरी करके आई थी, कुछ चीज़ें जो मार्ट में नहीं मिलती उनमें सरसों का तेल है, सरसों का तेल मार्ट में नहीं मिलता, इस मार्ट में नहीं मिलता, उमरकोट के मार्ट में वैसे मिलता है। अभी मैंने सरसों का तेल मंगाया है, चावल जो मैं लेती हूँ वो मार्ट में थे नहीं, तो इनके बाबा चावल लेकर आए हैं। ये क्या है, ये पता नहीं किसका नंबर है, उसको रखो यहाँ। ट्यूशन जाने से पहले बेगम साहब कॉफ़ी बना के पीकर गई हैं, कॉफ़ी बनाई है इन्होंने। और मैंने आज सुबह उठते ही जो काम किया था वो ये कि तिल जो है काले और सफ़ेद तिल मैंने इनके बाबा से मंगवाए, हर सर्दी में मैं मंगवाती हूँ। अच्छा KGM में जब मैं थी तो मुझे ये तिल कोई मेरी बहुत प्यारी जानने वाली तिल के लड्डू मुझे बनाकर देती थी। यहाँ आने के बाद मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तिल के लड्डू खुद बनाने पड़ेंगे, पता नहीं मुझसे बनेंगे भी या नहीं। कोशिश करूँगी कि बन जाएँ, लेकिन लगता नहीं कि मैं बना पाऊँगी क्या तिल के लड्डू। ये मैंने सुबह उठकर साफ़ किए सारे तिल और फिर मैंने इन्हें धोया, इनकी मिट्टी निकाली और सुखाने के लिए यहाँ छत पर ले आई। थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर इसको मैं संभाल भी रही हूँ। अब ये है कि थोड़ा सा खुश्क होना बाकी रह गया, सूख तो गए, हल्के हल्के से गीले हैं, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएं तो फिर तिल के लड्डू बनाएंगे इंशाल्लाह। ये थी मेरी आज की सुबह की मसरूफियत। अल्लाह चलें तो जनाब, अब मैं सरसों का तेल जो है वो इसके जार में खाली करती हूँ, इसका जो गैलन है सरसों के तेल का, और चावल चावल वाले जार में खाली करते हैं और उसके बाद
ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अम्मा ने कॉफ़ी बनाई और बर्तन धोए बगैर चली गई। क्या दूँ आपने? खाना दे मुझे खाना। हाँ तो खाना चाहिए, दूर खड़े होकर बात करो मेरे से। रात को बनाई थी मैंने दाल, दाल के अंदर बंगाल, और बंगाल किस चीज़ का था? मेथी का, मेथी के बंगाल वाले। रात को मैंने दाल बनाई थी तो रात वाले दाल थोड़ी सी बच गई है, तो बच्चे दाल खाएंगे। अभी बच्चे के बाबा को भूख लग चुकी है, मैं इनको खाना देने लगी हूँ। अब ये खाना खाएं, उसके बाद इनकी चाय की फरमाइश होगी। मैं चाय इन्हें बिल्कुल भी नहीं बना के दूँगी। कहाँ गायब हो गए? हाँ खाना लगा दूँगे। बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत मसरूफ़ हैं। मैं चटनी निकालती हूँ फ्रिज में से, चटनी ख़त्म होने लगी है थोड़ी सी, ये खा ले फिर उसके बाद चटनी दूसरी पीसूँगी। और ये देखिए जनाब, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं आलू की निहारी, बकरे की निहारी, बड़े की निहारी, चिकन की निहारी। तो आपने सुना होगा ना, आज मैं बना रही हूँ आलू की निहारी। मुझे इसकी रेसिपी के बारे में कुछ नहीं पता, गोल गोल आलू काट के आलू की निहारी, मुझे इसकी रेसिपी के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे रूपा भाईजान ने कहा आज आप बनाओ आलू की निहारी, तो आलू मैंने काट के ऑयल में प्याज के साथ डाल दिए, ये नरम हो जाए तो फिर मैं आलू की निहारी बनाऊंगी। ठीक है भाईजान, देखें आपने मुझे कहा और मैंने आलू की निहारी बनानी शुरू कर दी। आज बन रही है आलू की निहारी और मेरी बेटी बना रही है पराठा। सुबह शाम पराठे खा कर पराठा समझ गई होगी। सॉरी। तो जनाब ये देखें हमारी निहारी आलू तैयार है, आलू वाली निहारी तैयार है। ये रूबा भाईजान ने फरमाया था कि आप क्या पकाएं क्या पकाएं, कि बहस चल रही थी, उन्होंने कहा कि आप आलू वाली निहारी बना लें। कल आपने चिकन की निहारी बनाई थी, परसों आज आप आलू वाली निहारी बना लें। ऐसा कुछ नहीं है, कितने मज़े की है ना, आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल गल गए, नरम हो गए आलू। और करारे करारे पराठे जो होते हैं ना उनके साथ तो ये सालन इतने मज़े का लगता है। इसके अंदर मैंने मेथी भी डाली है, कसूरी मेथी, बहुत टेस्टी बना है ये सालन। पराठों के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, और दही के साथ। लो भाई मैंने तो ये आलू बनाए, लेकिन नाम मैंने रख दिया है आलू की निहारी रूबा भाईजान के खाने पे। मज़ेदार से शोरबे वाले आलू सजबील नोश फरमा रही हैं, बन चुके हैं। सबसे पहले ग़ुलाम मोहम्मद ने खाए और फिर सजबील फातिमा ने खाए, और मैं सर्दी में ब्लैंकेट के अंदर लिट्टी सिपटी बैठी हूँ। टिंग डिंग 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 डिंग। सर्दी के दिन पूछे मत, कितने सुस्ती के दिन होते हैं। लोग कहते हैं कि सर्दी के दिन सुस्ती के दिन होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि सर्दी के दिन सुस्ती के दिन होते हैं। कहाँ बोरियत होती है शशबील, कितना मज़ा आता है काम करने के बाद। जब हम फारिग होते हैं तो कोई भी तस्बीह कोई भी इबादत हो वो ब्लैंकेट के अंदर बैठ कर हम कर रहे होते हैं। अल्लाह, नमाज़ पढ़ने के बाद जा नमाज पे बैठे रहो बैठे रहो, गरम गरम सा महसूस होता रहता है, गलीचे के ऊपर बिछा हुआ जा नमाज, कितना सुकून मिलता है। सर्दी की इबादतें भी कितनी अच्छी लगती हैं, गर्मी से ज़्यादा मुझे सर्दी अच्छी लगती है। आई लव विंटर। और ये एसी ये बंद रहता है, कितना सुकून होता है जब एसी बंद होता है। उफ अल्लाह, ये देखो उन्होंने उबासी ली और मुझे भी उबासी आने लगी। तो जनाब इस ब्लॉग का अब यहीं हम एंड करते हैं, क्योंकि मेरे सोने का वक्त हो चुका है। ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। टिंग डिंग डिंग डिंग, डिंग।